नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन मित्रा सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में बैंक अकाउंट कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप छात्रवृत्ति के फॉर्म में अकाउंट नंबर या खाता संख्या कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके भी छात्रवृत्ति के फॉर्म में अकाउंट नंबर गलत है या खाता संख्या दूसरे बैंक का जुड़ा हुआ है और आप दूसरे बैंक का जोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, सारा का सारा मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आपकी भी छात्रवृत्ति आपके खाते में आ सके। तो उसके लिए बंसुटो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अपने SSID आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर SSID यहाँ पर लॉगिन कर रखी है। SSID लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्कॉलरशिप SJE, ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो सिंपली आपको अदर एप्स पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देना SCA। जैसे आप टाइप करोगे SCA स्कॉलरशिप तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको ये एप्लीकेशन आपको शो जाएगा, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जो भी फॉर्म भर रखा है यहाँ पर आपको सारे के सारे फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप के इस SSID से यहाँ पर भर रखे। ये अभी यहाँ पर देख लीजिए, इसका यहाँ पर एकेडमी ईयर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सी साल का आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको करना का स्टूडेंट स्कॉलरशिप, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल का। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर पेंसिल का आइकन। यहाँ पर देख लीजिए, पेंसिल का आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब भी आपने यहाँ पर फॉर्म भर रखा होगा, चाहे पिछले साल का चाहे इस साल का, यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में यहाँ पर गलती अकाउंट नंबर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे चेंज करोगे, आपने फॉर्म भी भर दिया तो आपको यहाँ पर कैसे आप चेंज कर पाओगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यह पेंसिल का आइकन, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में पेंसिल का आइकन यहाँ पर भी है, तो सिंपली आपको पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से आपको यहाँ पर चेक कर लेना। जैसे अगर आपको यहाँ पर खाता संख्या गलत है या सही है, आपको यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर पहले चेक कर लेना कि आपको कौन सा यहाँ पर खाता संख्या गलत है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, आपका खाता संख्या यहाँ से चेक हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर को आपको ये ओपन आपको कर लेना। इससे पहले आपको करना क्या, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको अपने मित्र में जन आधार कार्ड, इसका इस कैंडिडेट का जन आधार कार्ड आपको ओपन कर लेना। उस जन आधार कार्ड में आपको इसका बैंक बैंक डिटेल आपको उसमें अपडेट कर देना, बैंक की डायरी स्कैन उसमें आपको लगा देनी। उसके बाद में वहाँ पर आपको इसका खाता नंबर अकाउंट नंबर वहाँ पर आपको चेंज कर देना। उसके बाद में उसको आगे यहाँ पर सबमिट कर देना, वेरिफिकेशन के लिए भेज देना। जैसे यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट जन आधार में अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में जन आधार में अपडेट होने के बाद जैसे यहाँ पर 2-3 दिन में यहाँ पर अपडेट हो जाता, किसी का यहाँ पर 1 दिन में भी अपडेट हो जाता, तो मैं आपको बताना चाहूँ उसमें अपडेट होने के बाद में आपको ये SSID आपको ओपन कर लेनी, जैसे मैंने यहाँ पर बता रखी है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अपडेट करना नहीं आता तो इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा कि आप जन आधार में कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा, तो वीडियो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी आपको दे दूंगा यहाँ पर, और वीडियो के नीचे भी आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो उसके बाद में उसमें अपडेट करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऊपर ऊपर, अपडेट बामासा डिटेल का। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट बामासा डिटेल का। यहाँ पर मैं ऑफिशियल तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद यहाँ पर बैंक अकाउंट अपडेट किया किसी यहाँ पर स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो यहाँ पर जन आधार में अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट बामासा डिटेल। तो सिंपली कौन तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको उसमें अपडेट करने के बाद में अपडेट बामासा डिटेल, सिंपली इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी अपडेट यहाँ पर अभी नहीं किया, तो यहाँ पर मेरे को योर रिकॉर्ड अपडेट, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई भी जन आधार में अपडेट नहीं किया। जैसे आप अपडेट करोगे तो यहाँ पर आपको अपना खाता संख्या और आपको यहाँ पर अपडेट आपको दिख जाएगा, और आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप अपडेट
कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप अपडेट डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यस कर देना, उसके बाद में इसको आपको जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद में आप जैसे वापस से आकर नीचे यहाँ पर देखोगे, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीचे वापस से आप यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पर खाता संख्या आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपका खाता संख्या बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैंने खुद ने यहाँ पर एक कैंडिडेट का यहाँ पर बैंक अकाउंट में यहाँ पर अपडेट किया, बिल्कुल आसान तरीके से आपका यहाँ पर खाता संख्या आपका अपडेट हो जाएगा, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस प्रकार से छात्रवृत्ति के फॉर्म में यहाँ पर बैंक डिटेल यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने सारा का सारा आपको डिटेल से आपको समझा दिया, अगर आप बैंक अकाउंट कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।